होती क्या है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि इंटरेस्ट रेट क्या होती है और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये किस तरह से इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं ये किस तरह से हमें हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट रेट को डिफ़ाइन करूँगी इंटरेस्ट रेट वो चार्ज है वो मनी है जो आप पे करते हो किसी भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया आपने कुछ पैसा बोरो किया है उसके ऊपर ओवर एंड अबाव दैट प्रिंसिपल अमाउंट जो भी अपने अमाउंट बोरो किया है उसके ऊपर आप चार्ज उस इस उस मनी को इस्तेमाल करने का चार्ज जो देते हो उसको हम डिफाइन करते हैं एज द इंटरेस्ट रेट सो इट इज़ द प्राइस ऑफ द मनी विच यू हैव यूज तो आ, कोई भी बिजनेस जो है उसको आप बोड मनी के बगैर लोगों से लिए हुए मनी के बगैर नहीं ऑपरेट कर सकते उसके लिए आपको उसकी कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है और वो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट कहलाती है और अभी इंटरेस्ट रेट को के कि, कि, किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड हाउ इट टेल्स अस कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ उसको डिस्कस करने के लिए अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फोर टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल लोन्स फिर हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड पेमेंट लोन और फिर हमारे पास है कॉन्सेप्ट कूपन बोन बॉन्ड का और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट या ज़ीरो कुपॉन बोन का बॉन्ड का तो अभी सबसे पहले सिंपल लोन क्या होती है तो सिंपल लोन में क्या है कि आप एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए अमाउंट बोरो करते हो और एक सर्टन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया जाता है बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से आपने पैसे बौरो किए हैं वो आपको बताएगी कि आपको एक साल में इतना एक्स्ट्रा मनी हमें इंटरेस्ट के तौर पे इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा जितना ड्यूरेशन आप अपने पास उस मनी को रखते हो उसके हिसाब से आपकी जो मनी है वो जो आपने रीपे करनी है वो एड अप होती जाती है तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ आपको टेबल में नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ़ ईयरस हैं और एक डॉलर मैंने बोरो किया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मुझे चार्ज करें दैट इज़ गिवन एज टेन परसेंट पर एनम तो मुझे उस एक डॉलर पे एक साल के गुजर जाने के बाद मिले देने पड़ेंगे एक डॉलर और दस पेंस और दो साल तक अगर मैं वो एक डॉलर अपने पास रिटेन करने वाली हूँ पे मुझे बताया गया है कि जो इंटरेस्ट का रेट है दैट इज़ टेन परसेंट तो आफ्टर टू इयर्स आई विल हैव टू रीपे वन पॉइंट टू वन डॉलर्स सिमिलरली तीन साल के बाद वो वन पॉइंट थ्री थ्री डॉलर हो जाएगा और अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि वॉट अगर एक सर्टन नंबर ऑफ़ ईयर्स को मैं बोलूँ ये एन है और मुझे कितना अमाउंट रीपे करना है एन नंबर ऑफ़ ईयरस के गुजर जाने के बाद तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं बहुत आसानी से कि आपने वो जो वन डॉलर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है वन प्लस जो आपका इंटरेस्ट रेट है यहाँ टेन परसेंट मैंने ज्यूम किया हुआ है एग्जाम्पल में आपका जो भी टेन परसेंट होगा आप वो आए की जगह पे लिखेंगे और वन प्लस आए रेस्ट तो दार एन हो जाएगा एन विल टेल यू द नंबर ऑफ ईयर्स जो भी आपने टाइम पीरियड के लिए देखना है कि मुझे कितने पैसे रीपे करने हैं या किसी और ने कितने पैसे आपको रीपे करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन अगर मैं एंड वी नो के फ्यूचर में जो आज मुझे कर किसी ने एक सौ रुपये मुझसे बोरो किए हैं और मुझे पाँच साल के बाद वो एक सौ रुपये वापस कर देगा तो उस पाँच साल के बाद जो एक सौ रुपये मुझे वापस मिला है उससे जो चीज़ें मैं परचेज़ कर सकती हूँ अभी वाले एक सौ रुपये से जो मैं चीज़ें परचेज़ कर सकती हूँ वो बराबर नहीं हो सकते इसका मतलब कि फाइव ईयर्स डाउन द लेन जो हंड्रेड रुपीज़ मुझे वापस मिलेगी उसकी जो परचेजिंग पावर है वो नीचे चली गई होगी अभी के एक सौ रुपये के बराबर एट पार नहीं होगी तो इस चीज़ को अंदाज़ा लगाने के लिए कि अभी अगर मैं एक आदमी को सौ रुपया दूँ और जो इंटरेस्ट की रेट है फॉर एग्जांपल वो एट परसेंट है या वो टेन परसेंट है तो पाँच साल के लिए अगर किसी ने मुझे बोला कि मुझे पैसे लैंड कर दो मुझे लोन दे दो किसी कंपनी ने कहा तो मुझे कितने पैसे उससे मांगने चाहिए पाँच साल के बाद जो कि आज के एक सौ रुपये के बराबर हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू अभी आपने जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया था मैंने जो मेरा प्रिंसिपल एक डॉलर था उसको मल्टीप्लाई किया वन प्लस आए रेस्ट टू दीपार एन से तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप उसी वन प्लस आए रेस्टू दीपार एन को मल्टीप्लाई करने की बजाय चूँकि कम पैसे करने हैं ना तो उसको आप डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर में रखेंगे आप अपना एक डॉलर और डिनोमिनेटर में रखेंगे आप वन प्लस आए रेज टू दार एन तो एन विल टेल यू के कितने अरसे के बाद आप का डील कर रहे हो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है दैट विल स्पेसिफाई द टाइम इन नंबर ऑफ़ ईयर्स और अगर जैसे फॉर एग्जांपल डेढ़ साल है या छः माह है तो नंबर ऑफ़ ईयर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा डेढ़ साल वन पॉइंट फाइव हो जाएगा तो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर और आपने जो आय रखना है दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट ठीक है जिस जो शराय सूद के ऊपर आप उसको लैंड कर रहे हो तो आप इस फॉर्मूला से अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट विद वन प्लस आई रेस्ट टू दार एन तो दिस विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट जो चीज़ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें अहम है अंडरस्टैंड करना दैट इज़ कि इंटरेस्ट रेट को हम यील्ड टू मैचोरिटी भी बोल रहे हैं यील्ड टू मेचोरिटी का क्या मतलब है कि अगर एक आदमी ने मुझे बोला कि या कंपनी ने कहा मुझे कि आप हमें अभी एक लाख रुपए दे दें और हम आपको दो साल के बाद दो लाख रुपए वापस कर देंगे तो मुझे यहाँ अकाउंट फॉर करना है कि मुझे क्या इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये मनी वापस मिल रही है राइट तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट या जिसको हम बोल सकते हैं यील्ड टू मेचोरिटी यानी कि दो साल के बाद मैचोर हो जाएगी मेरी जो भी डील करी है तो उसके ऊपर मुझे यील्ड यानी कि फ़ायदा क्या पहुंचने वाला है तो इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड हैज़ हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्ट में हम इंटरेस्ट रेट को लेते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी और यील्ड टू मेच्योरिटी निकालने के लिए अभी जो मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट दो तरह के फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको अगर पता है जैसे मैंने अभी आपको एक्जाम्पल दिया कि समबड़ी हैज़ ऑफर्ड मी कि मुझे आप एक लाख रुपया दे दें और हम आपको दो साल के बाद दो लाख रुपया वापस कर देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वट इज़ द यील्ड टू मच्योरिटी तो उसके लिए द फॉर्मूला विच वी यूज इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट्स यानी कि दो लाख रुपया माइनस एक लाख रुपया न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में मैंने लिखना है वन प्लस आय और इसको मैंने सॉल्व कर लेना है आय के लिए तो अभी मेरे पास जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं आय के लिए सॉल्व कर लूँगी तो आई विल बी एबल टू कम अप विद द वैल्यू ऑफ हील टू मेचोरिटी या इसको अभी जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मैं उसकी मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि इफ़ समबडडी हैज़ ऑफर्ड मी आफ्टर यर अभी एक सौ डॉलर ले कर एक साल के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको एक सौ दस डॉलर्स वापस करेंगे एक साल के बाद तो मेरा एन वन है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा ठीक है तो एन इज़ वन और उसको मेरा यील्ड टू मेचोरिटी क्या है तो मैंने क्या किया आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला के फ्यूचर वैल्यू है हंड्रेड एंड टेन डिवाइड बाय वन प्लस आई इज़ इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन हंड्रेड डॉलर एट हंड्रेड डॉलर दे रही हूँ मैं उसको तो मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आई के लिए सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट द वैल्यू फॉर यील्ड टू मेचोरिटी इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि मुझे एक साल के बाद एक सौ दस डॉलर मिल रही है अभी प्रेजेंट वैल्यू उस मनी का जो मैंने पैसा शुरू के पॉइंट पे लिया है दैट इज़ हंड्रेड डॉलर तो इसको हम इसी एक्सप्रेशन के अंदर सब्सिट्यूट प्लग करेंगे वैल्यूज़ को तो हम आई को निकालते हैं दैट टर्न्स आउट टू बी ज़ीरो पॉइंट वन विच कैन बी रिटर्न एज टेन परसेंट इन परसेंटेज फॉर्म तो आपको लग रहा है कि अगर हम अभी एक डॉलर दें और एक साल के बाद वो एक हो जाएगी तो यील्ड टू मेचोरिटी इन दिस केस विल बी टेन परसेंट तो इस तरह से आप अपनी यील्ड टू मेचोरिटी या इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था एक दूसरी तरह की हम लैंडिंग और बोरोइंग कर सकते हैं जिसमें हमने कहा फिक्स पेमेंट लोन हो सकती है तो देर कैन बी सिंपल लोन जैसे जिसकी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए देन देर कुड बी फिक्सड पेमेंट लोन फिक्स पेमेंट लोन का मतलब है कि आपने आपने किसी कंपनी को कुछ पैसे लैंड किए और वो कंपनी कह रही है कि हम अगले दस साल तक या अगले पंद्रह साल तक या अगले बीस साल तक आपको एक सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देते जाएंगे इस अमाउंट जो आपने आज हमें लैंड किया है उसको वापस करने के लिए राइट सो ऐसा करने के कॉन्टेक्स्ट में अगैन आपने क्या करना है यील्ड टू मेचोरिटी को कैलकुलेट करना है आपने आपके पास एक दफ़ा वैल्यू नहीं आ रही आपकी जो रीपेमेंट है वो फिक्स्ड है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रही है तो पीरियड ऑफ टाइम कैन बी टेन इयर्स इट कैन बी फिफ्टीन इयर्स इट कैन बी ट्वेंटी इयर्स जैसे आप गाड़ी लेते हो बैंक से आ, लीज करते हो तो उसमें क्या होता है आपने गाड़ी लीज पे ली उसकी कुछ डाउन पेमेंट थी और अब आप, आप एक सर्टन वो आपको किस्त बना के दे रहे हैं और आप हर माह या हर तीन माह के बाद या हर छः माह के बाद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आप वो किस्त को रीपे करते हो ठीक है तो आपको वो बोलते हैं आपको पाँच साल तक ये रीपेमेंट करना पड़ेगा हर माह ये सटन तीस हज़ार की पैंतीस हज़ार रुपए की किस्त है आपने गाड़ी बौो की है या लीज़ करी है बोरो नहीं की लीज़ करी है और इसी तरह से जब आप घर को लीज़ कराते हैं आ, तब भी आपको फिक्स्ड अमाउंट रीपे करनी होती है तो ये दोनों मिसालें हमारी फ़िक्स पेमेंट लोन के अंदर आ, के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और फिक्स पेमेंट लोन में आप यील्ड टू मेचोरिटी कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है हमारा पुराना फॉर्मूला है लेकिन उसमें चूँकि अभी रीपेमेंट्स एक दफ़ा नहीं है रीपेमेंट मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर आ रही है तो आपको राइट हैंड साइड ऑफ योर इक्वेशन के ऊपर वो मल्टीपल पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे तो हमने कहा फॉर एग्जांपल इफ सबड़ी है सेड के मुझे अभी आप एक हज़ार डॉलर दे दें और मैं आपको हर साल एक साल गुजर जाने के बाद एक डॉलर वापस करूँगा और ये वापसी ओवरऑल 25 साल तक होती चली जाएगी तो मुझे अगर अंदाज़ा लगाना है कि इस ट्रांजेक्शन में इस लेन देन में मेरा टू मेचोरिटी यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा तो मुझे क्या करना है मुझे 1000 लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर और हर साल की रीपेमेंट को डिवाइड करना है वन प्लस आए रेस्ट दिन से तो पहले साल की 126 डॉलर को मैं वन प्लस आए रेस टू दीपार वन से डिवाइड करूंगी और दूसरे साल की पेमेंट को 126 डिवाइडेड बाय वन प्लस आए रेस टू दीपार टू से डिवाइड करूंगी और इसी तरह से जो पच्चीसवें साल की रीपेमेंट है 126 डॉलर की उसको मैं वन प्लस आए रेस टू दीपार ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करूंगी और इन सारी टर्म्स को जमा कर दूँगी जमा करने के बाद मैं इसको आय के लिए सॉल्व करूँगी आय मुझे बताएगा यील्ड टू मचॉरिटी या मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैलकुलेट हो रही है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट होगी कैसे उसके लिए हमारे पास अभी इस तरह के फाइनेंशियल ऑपरेशन वाले कैलकुलेटर्स होती हैं तो हम वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके अपनी इस तरह की जो स्ट्रीम या कैश इनफ्लोज आ रही हैं कैश आउटफ्लो आ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके हम जो कैलकुलेशंस हैं वो उन कैलकुलेटर्स की मदद से कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल आता है तो आप एक्सेल के अंदर भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अपने जो यील्ड टू मैचोरिटी की वैल्यू है या इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट हम uh, अगर जनरली ये तो एक्ज़ाम्पल की बात थी अगर हम एक जनरल फॉर्मूला डेवलप करने की करना चाहें और उसके पर्सपेक्टिव में देखें कि फिक्स्ड पेमेंट लोन में आप किस तरह से यील्ड टू मेचोरिटी को या uh, जो कोई भी आपकी एक अनोन है इस फॉर्मूला में उसको आप निकाल सकते हो या आपने ये मुतयन करना है कि अगर हमें ट्वेल्व परसेंट का यील्ड टू मेचोरिटी या इंटरेस्ट रेट चार्ज करनी है और एक आदमी अभी मुझसे पाँच लाख रुपए या कंपनी मुझसे पाँच लाख रुपए बोरो करना चाहती है तो मुझे जो फ़िक्स पेमेंट है एनअल बेसिस के ऊपर या हर छः माह के बाद उसकी किस्त कितनी बननी चाहिए ठीक है बारह फ़ीसद सूद के ऊपर तो उसके लिए मैं क्या करूँगी मुझे यही वाला फॉर्मूला जो अभी आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ एल वी एल वी इज़ द लोन वैल्यू एफ पी इज द फिक्स्ड ईयरली पेमेंट जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करें अगर आपको गिवन नहीं है अगर आपको आई गिवन होगा आपको एल वी गिवन होगी लोन वैल्यू गिवन होगी तो फिर आप एफ पी निकाल सकते हैं ठीक है अगर आपको एफ पी पता है यानी कि जो फिक्सड ईयरली कैश फ्लो है वो आपको पता है कैश की पेमेंट पता है और आपको जो लोन वैल्यू पता है तो आप उसकी मदद से यील्ड टू मेचोरिटी या इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं तो तीन अनोन्स हैं इस पूरे में इसमें से जो भी दो की वैल्यू आपको पता होगी आप तीसरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद से तो हमने क्या किया हमने कहा कि सपोज चम्बड़ी अ कंपनी आस्टवी टू लेंड एम फाइव हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ और इंटरेस्ट था फॉर एग्जांपल ट्वेल्व परसेंट का तो मैं उनसे हर साल कितने पैसों की पेमेंट लेना चाहिए मुझे बारह फ़ीसद इंटरेस्ट चार्ज करने के सिलसिले में तो मैं इस इक्वेशन के अंदर आई प्लग करूंगी ट्वेल्व परसेंट एल वी अपल करूँगी पाँच लाख और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एफ पी के लिए सॉल्व कर लूँगी फ़ाइन तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरा जो फिक्स्ड पेमेंट है वो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए और जितने आपके यहाँ टर्म्स चलेंगे ऑन द राइट हैंड साइड दिस विल बी वन टर्म फॉर एवरी ईयर अगर आप सालाना पेमेंट कर रहे हो इट कैन बी मंथली पेमेंट इट कैन बी बाय एनुअल पेमेंट राइट तो चार पेमेंटें हैं छः पेमेंटें हैं या बीस पेमेंट्स हैं उतनी दफ़ा आपको ये टर्म्स को राइट साइड के ऊपर ऐड करके अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि ये इतनी दफ़ा हमारी पेमेंट्स आ रही हैं राइट सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द लोन वैल्यू यू कैन फाइंड आउट द Fixed yearly payment, which you which you should get, if you know the yield to maturity and if you know the fixed payment, you know the loan value, and you want to find out the yield to maturity. Again, the same formula can help you in finding it, finding out that value as well.